ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 10 AI 3 2007 में पूछा था। क्वेश्चंस है द सॉल्यूशन ऑफ एक्स फॉर विच द इक्वेशन इज, अपने को बताना है एक्स की वैल्यू बतानी है, सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए यह है। ओके लिख देते क्वेश्चंस नंबर 10 AI 3 2007 में पूछा था द सॉल्यूशन ऑफ एक्स फॉर विच द इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है अंडर रूट 2 से लेकर एक्स इंटू डी टी अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 ठीक इक्वल्स टू पाई बाई 12। तो अपने को बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू क्या क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट है 2, सेकेंड है पाई, थर्ड है अंडर रूट 3/2 एंड जो फोर्थ है वो है 2√2। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो अपने को बताना है ठीक। अच्छा गिवन जो इक्वेशन है अपने पास ये तो एक स्टैंडर्ड है जो कि सेक इनवर्स की होती है, सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन लिखा है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स टी ठीक, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है अंडर रूट 2 से लेकर एक्स तक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये आ जाएगा, ये किसके इक्वल दे रखा है ये पाई बाई 2 के इक्वल है कि पाई बाई 12 है। इस क्वेश्चन में जो पाई बाई 12 है वो पाई बाई 12 तो नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 से इक्वल सॉल्व करेंगे ओके सॉल्व करते हैं। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 2 दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन पाई दे रखा है, थर्ड ऑप्शन अंडर रूट 3/2 दे रखा है एंड जो डी ऑप्शन है 2√2 दे रखा है। ओके ठीक इक्वल्स टू पाई बाई 12 ओके, तो यहाँ से हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स अंडर रूट 2 इक्वल्स टू पाई बाई 12 ओके। सेक इनवर्स अंडर रूट जो 2 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर सेक इनवर्स इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 ओके, तो ये लिखा है सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पाई प्लस 3 पाई यानी कि ये आ जाएगा पाई बाई 3। अपने पास आ गया सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, तो एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सेक पाई बाई 3 यानी कि सेक 16 डिग्री, और सेक 60 डिग्री हो जाएगा 60 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो ऐसा कोई ऑप्शन है 2 अपॉन अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है सॉरी 2 सॉरी क्या सॉरी 2 आ जाएगी, ये क्या है 60 डिग्री तो इसकी 2 आ जाएगी x इक्वल टू 2, तो देखो 2 इज द करेक्ट आंसर, तो अपने पास ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर।